News 18, India. कमलनाथ अगर कमल के साथ अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हैं तो कांग्रेस के लिए जाहिर है ये एक बुरी खबर है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में 90 दिन से भी कम का वक्त बचा है। कांग्रेस पार्टी के कई पुराने और दिग्गज नेता पार्टी का साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का साथ देने वाले नेताओं की लिस्ट जो है वो काफी लंबी है, और इसमें कांग्रेस के कुछ पूर्व सीएम भी शामिल हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों का जिक्र करेंगे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पहला नाम, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने 12 फरवरी 2024 को कांग्रेस को अलविदा कह दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। चव्हाण पहली बार 1987 में लोकसभा एमपी चुने गए और दूसरी बार 2014 में भी लोकसभा पहुंचे, लेकिन उन्होंने 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। और इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। पंजाब के सीएम रह चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और इन्होंने साल 2021 में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने पंजाब के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, बाद में फिर वो बीजेपी में शामिल भी हुए। उन्होंने कहा कि हमारी और बीजेपी की विचारधारा एक है। अब दूसरे नाम पर आते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम है उत्तराखंड के पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी का, जिन्होंने साल 2017 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक थे। उनका पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था। लिस्ट में तीसरा नाम है कांग्रेस कर्नाटक के पूर्व सीएम एस एम कृष्णा का, जिन्होंने साल 2017 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि कांग्रेस में मोदी की टक्कर का कोई नेता ही नहीं है। लिस्ट में चौथा नाम उत्तराखंड के ही पूर्व सीएम विजय बहुगुणा का है, जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और मई 2016 में वो राज्य के 8 पूर्व विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। विजय बहुगुणा के साथ उनका बेटा सौरभ बहुगुणा भी बीजेपी में शामिल हुए। लिस्ट में पांचवा नाम ओडिशा के पूर्व सीएम गिरिधर कमांग का है, जिन्होंने साल 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया। लिस्ट में छठा नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम जगदम्बिका पाल का है, जिन्होंने साल 2014 में कांग्रेस का साथ छोड़कर कमल का दामन थामा। जगदम्बिका पाल बस 3 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बनाया गया था। लिस्ट में सातवां नाम पेमा खांडू का है। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के 32 विधायकों के साथ साल 2016 में बीजेपी का दामन थामा। वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू के बेटे हैं। आठवां नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत का है, जिन्होंने 1994 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी को चुन लिया था और फिर साल 2005 में वो कांग्रेस में वापस भी आ गए थे, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से उन्होंने 2022 सितंबर में दूसरी बार कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि दिगंबर कामत 2007 से 2012 तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब लिस्ट में नवा नाम गोवा के ही पूर्व सीएम रवि नाइक का है, जिन्होंने 2000 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि इसके बाद फिर वो 2002 में कांग्रेस में लौट गए, लेकिन फिर से 2021 में बीजेपी में शामिल हो गए। लिस्ट में दसवां नाम आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी का है, जिन्होंने पिछले साल अप्रैल में कांग्रेस को अलविदा कह दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। 10 सालों में कांग्रेस के 10 पूर्व सीएम पार्टी का साथ छोड़कर चले गए हैं। नेताओं के पार्टी से जाने का सिलसिला लगातार जारी है। पार्टी को आत्ममंथन की कहीं ना कहीं जरूरत तो है। आत्ममंथन के साथ साथ पार्टी को रिवैम्प करना कितना ठीक रहेगा, कितना ज्यादा जरूरी है, ये कांग्रेस को समझने की बात होगी, नहीं तो धीरे धीरे करके कांग्रेस खाली होती चली जाएगी।